है तुम्हें? हेलो गाइज, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हो विष्णु बैकपैकर। तो गाइज आज है 6 अप्रैल 2024 और गाइज मैं हूँ अभी ओमकारेश्वर में। तो गाइज कल हम महाकालेश्वर से दर्शन करके और वहाँ के सभी उज्जैन के सभी मंदिरों को कंप्लीट करके हम आए थे यहाँ ओमकारेश्वर। तो गाइज जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा वो जाके देखिए, उसको बिगड़ देखे आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइज अभी नहा धोकर अब हो चुके हैं अपन रेडी और गाइज देख सकते हो ये कुछ अपना लुक। एंड गाइज अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया, अब जा रहे हैं हम ओमकारेश्वर दर्शन करने और भी 2-3 मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन करेंगे। अरे सब भाई लिख रहे हैं राम राम और इसमें हमारा भी कंट्रो है, ये बीच में हमने भी लिखा था बस्कर। अबे बस्कर बहुत है, एक पेज बहुत है हमारा। और ये लाइट बंद हो चुकी है। हाँ जी गाइस, मंदिर जाएंगे और वहाँ संगम मिलेगा नर्मदा नदी, वहाँ पे बड़ा भव्य मंदिर है। तो गाइस ये हमारे गाइडेंस है, ये हमने 500 में ली है, 500 में ले जा रहा हूँ। दिखाऊंगा आज ओमकारेश्वर मंदिर की महिमा क्या है और कैसे हम लोग जानेंगे वहाँ पे, बहुत सारे पुराने रहस्य हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया गाइस। किसी को चाहिए भाई घूमने घुमाने के लिए 500 में। ओमकारेश्वर और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। उनको फोन हर हर महादेव। जय श्री राम।
अभी हम जा रहे हैं नर्मदा नदी में, नर्मदा गंगे भैया जी में, और काफी मजे आ रहे हैं। गंगा नदी में गोता लगाते हुए शेर जीतते ही थे। जल सुंदर, जल बहुत ही सुंदर हुए। एक विष्णु पानी में गए झपाक, दो ऋषभ पानी में गया झपाक झपाक। आज 51 गोते लगाए हमने और ये जो खड़े हैं इनने लगाए 1111, पर हमारी 51 में रेड मर गई भाई। सही मजा आ गया। सही बात है ना, फोटोग्राफी। ये हम हैं, मेरे सब भाई हैं, यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी कुछ है तो गाइस अभी कुछ सामान ले लिए, ये हाथ के कुछ लॉकेट और दो ये हैं। कैसा लग रहा है गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई ने भी ले लिया, यो भाई ने भी ले लिया और भाई ने भी दे दिया। गाइस हम फाइनली अब रूम पर आ चुके हैं। गाइस अब हमने रूम से चेकआउट कर लिया है और हमारे टीम पूरी चेकआउट कर चुकी है। हम निकल गए हर महादेव। नीचे बने पूरा बोलो। हां सही बात है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। ये हमारे छूटती हुई अरे भैया अपने इंदौर, पहले इंदौर जा रहे हैं भैया। इंदौर वेलकम टू इंदौर। टीम इंदौर के लिए भाई मैं नहीं आऊंगा ब्लॉग में। शेर सीता ये थे। होटल काफ़ी बेस्ट होटल था और गाइज स्टाफ भी बहुत मस्त था। तो गाइज कभी आओ तो यार देख लेना। गाइज अभी अपन गाड़ी में बैठ चुके हैं और अपन जा रहे हैं अब इंदौर। इंदौर से पकड़ेंगे ट्रेन से सीधे मथुरा, और मथुरा नहीं अलीगढ़। ये ड्राइवर भाई है जो चला रहे हैं हमें इंदौर तक ले जा रहे हैं। और देखिए इस हाय गाइज पीछे और बैठा है। गाइस देखिए हम लोग ओमकारेश्वर से हम इंदौर लौट रहे हैं और इतने सारे मोड़ हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत सारा एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, देख रहे हैं आप। हम पहुंच चुके हैं इंदौर और अब यहां पर आ गए हम खा रहे हैं खाना। एंड गाइस फिर यहां से 4 बजे की हमारी ट्रेन है, वहां से बैठ के सीधे जाएंगे मथुरा। गाइस खाना अभी अपना हो चुका है, खाना एक नंबर था गाइस। कभी भी गाइस इंदौर आओ यहाँ पर खा जाना, जरूर खाना यार। खाना कैसा था भाई? भाई इंदौर से प्यार हो गया खाने के चक्कर में। गाइस हम इंदौर स्टेशन के सामने जंक्शन के सामने आ चुके हैं और यहाँ जय माँ वैष्णो देवी भोजनालय पे हमने भोजन किया। कृपया आप बताइए भोजन कैसा लगा? हाजी पटेल कैसा था? हाजी पटेल भोजन कैसा था? देखिए भोजन की मैं क्या तारीफ करूँ, शायद मेरे पास शब्द नहीं है इतना अच्छा। हाजी राहुल भाई भोजन कैसा लगा? हाजी दीपक भाई, दीपक भाई भोजन कैसा था? दीपक भाई भोजन कैसा था? हाजी भैया नंबर वन। हाँ जी भैया भोजन कैसा लगा आपको? भाई नंबर बेस्ट का भोजन, घर के भोजन की याद आ गई खाना खाने के बाद। और भाई हाँ जी खाने के बाद जूस हो जाए तो वही वाह वही वाह। तो हम आपको यहाँ के ऑनर से परिचय कराते हैं। तो गाइस हम आपको यहाँ के ऑनर से मिलाते हैं और ये आपका अपना परिचय देते हुए आपको बताएंगे आपको इंदौर में कहाँ आना है स्टेशन के सामने। अंकल जी बताइए आप एड्रेस मुझे सबमिट करेंगे। स्टेशन के सामने है जहुआ टावर वाली गली में। अच्छा जी, ये वहाँ पे इतने भोजनालय के नाम से। अच्छा जी, और दिल्ली पॉइंट होटल है साई प्रसाद, उसके पीछे में अपना। हमारे पास अंकल जी भोजन खाने का शब्द नहीं है, आपका भोजन हमें इतना बेस्ट लगा। जय महाकाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गाइस
गाइस अभी हम स्टेशन पे आ चुके हैं, टिकट विकेट हमने ले ली। हेलो और फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन खाली है, पूरी ट्रेन पूरी खाली है और चल जाएगी। अजी सेट गाइस ये नमूना है एक हमारा, ये नया नमूना बच्चा मिला है। बहुत सारा आर्ट दिए पंजा भाई। एक तो गुरु यार बाल कट का सामान छीनने वाला तो वो यार आते कर रहे हैं। गाड़ी खो गई इसकी, मैं हिमांशु भाई थी, हिमांशु भाई के बैग में चेक करी जा रही है। फाइनली गाइज यहाँ पर हमारी पूरी ट्रिप हो चुकी है और यही होता है अपना एंड ब्लॉग और एंड ट्रिप। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।